गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन द चैप्टर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव टॉक्ड अबाउट रूल्स ऑफ द आईपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन। स्टूडेंट्स, हेलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर आपने किया, आईपीएसी नाम लिखा, आपको जो है आइडिया लग गया कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बन कंपाउंड्स के जो है आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। ओके, तो हम आज एल्कोहल के कंपाउंड्स का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शनल ग्रुप। आपको पहले ही याद कराया गया कि फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, तो आपने लर्न किया है फंक्शनल ग्रुप OH, ओके, एंड सफिक्स भी आपने लर्न किया ऑल, OL, ठीक है, यानी एल्कोहल सफिक्स के फॉर्म में यूज होगा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर। वन मोर थिंग, एक और चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है और वो है रूल। रूल में क्या है, मैंने आपको बताया था एल्केन से ई को डिलीट करके और सफिक्स जोड़ते हैं, तो सफिक्स यहाँ पे ऑल है, ऑल को जोड़ करके ऐड करके क्या बना देंगे, एल्केनॉल। तो इस तरह से एल्केनॉल के फॉर्म में हमको ये जो कंपाउंड्स हैं इनके आईपीएसी नॉमेनक्लेचर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू स्टार्ट सम कंपाउंड्स ऑफ द एल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, नाउ इन दिस कंपाउंड ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट एंड फंक्शनल ग्रुप OH इज फाउंड। सो हम एक कार्बन के लिए एल्केन का जो टर्म यूज करते हैं दैट इज, स्टूडेंट्स क्या नाम होता है उसका, मेथेन। मेथेन, अब नियम है मेथेन से ई हटा करके सफिक्स क्या है एल्कोहल का, ऑल ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर जो हुआ वो क्या हुआ, मेथेनॉल। फ्रेंड्स, सिमिलरली यू कैन सी सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल सीरीज दैट इज C2H5OH, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया। देर आर टू कार्बन एटम्स विद फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये किसका मेंबर है और एल्कोहल का ये भी मेंबर है। फ्रेंड, दो कार्बन के लिए आपको लर्न कराया गया कि कौन सा एल्केन होता है, पार्ट टू कार्बन एल्केन इज एथेन, एंड अकॉर्डिंग टू रूल एथेन से ई हटा करके ऑल ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इस तरह से हमको सेकेंड मेंबर जो मिल गया वो एथेनॉल मिल गया। क्लियर है फ्रेंड्स? नाउ थर्ड CH3 CH2 CH2 OH। फ्रेंड्स, थ्री कार्बन कौन सा एल्केन होता है, प्रोपेन, और ई डिलीट कर देंगे और उसकी जगह पे सफिक्स ऐड कर देंगे तो बन गया प्रोपेनॉल। स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 1, 2, 3 लिस्ट, ठीक है, वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप कैरी लिस्ट नंबर। तो 1 से हम इसको जो है फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करेंगे ताकि ये फंक्शनल ग्रुप लिस्ट नंबर पे आए। तो इस तरह से इसका नेम जो मिल गया प्रोपेनॉल 1 या 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन वन ऑल। स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके नाम लिख सकते हैं, या तो आप 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं या मैंने यहाँ पे प्रोपेनॉल 1 भी लिखा, ये भी एक्सैक्ट है, या आप और भी लिख सकते हैं प्रोपेन वन ऑल। फ्रेंड्स, अगला मैं कंडेंस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ CH3 CH3 CH3। Now once again 1 2
थ्री, इधर से करेंगे 1, 2, 3, तो दोनों ही केस में फंक्शनल ग्रुप दो नंबर पे जा रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया प्रोपेनॉल। स्टूडेंट्स समझ में आ रही बात? ओके, नाउ नेक्स्ट TH3, TH2, 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 OH. What is the name of this compound? 1, 2, 3, 4. हमने नंबरिंग कर दिया, किधर से किया? जिधर से फंक्शनल ग्रुप कैरी लिस्ट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कितना आ गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और उसी में ऑल जोड़ देंगे ई हटा के, तो ब्यूटेनॉल, और फंक्शनल ग्रुप कितने पे है, 1 पे, तो ये ब्यूटेनॉल 1 आपको मिल गया। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट CH2OH, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बार फंक्शनल ग्रुप आया है, पहले और दूसरे कार्बन पे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए एथेन 1, 2 डाई ऑल, फंक्शनल ग्रुप दो बार आया है तो इसलिए इसके लिए डाई टर्म यूज हुआ है, डाई ऑल, डाई एथेनॉल नहीं लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप दो बार है तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के साथ डाई टर्म यूज होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट CH3, CH2, OH। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी इजी है, आप कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, नंबरिंग हमने उधर से किया जिधर से फंक्शनल ग्रुप कैरी लिस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है, सो इसका नाम क्लोरीन आपने पढ़ा है, क्लोरो ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है, तो इसको हम प्रीफिक्स के लिए यूज करेंगे, प्रीफिक्स के लिए इसका जो टर्म होता है दैट इज क्लोरो, तो कितना दो नंबर पे है, 2 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और उसमें ऑल जोड़ देंगे ब्यूटेनॉल 1, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया 2-chloro-butanol-1। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, सम कंपाउंड फॉर होमवर्क असाइनमेंट। फ्रेंड्स यहां पर देखिए होमवर्क में मैंने क्या लिखा है, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको ये जो 4-5 कंपाउंड्स हैं इनके आईपीएसी नेम लिखने हैं। फ्रेंड्स आसान है, CH3, CH2, CH2OH, बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा है, ओके, इन 5 कंपाउंड्स का आईपीएसी नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई डिफिकल्टी फेस होती है यू कैन आस्क मी बाय अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल प्रोवाइड द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी आईपीएसी नामन क्लेशर ऑफ एल्डिहाइड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कल बात करेंगे, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।